भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस में पहली बार दिखाया अपना दमखम और असीम रियाज के साथ जिम करते नजर आए। काफी देर तक इन तीनों ने जिम किया और जिम की रूटीन की बातें की। फिर ठीक थोड़ी देर बाद वहां पारस आए। पारस छाबड़ा ने जब खेसारी लाल यादव की बॉडी देखी तो दंग रह गए और उन्हें कहने लगे कि तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी है, मुझे तो पता भी नहीं था। और फिर उन्होंने जिम करने के कई नुस्खे खेसारी लाल यादव को बताए और कहा कि चलिए अब हम दंड बैठक करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा दंड बैठक करता है। फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों ने आपस में जिम की बातें की और पारस ने काफ़ी अच्छी बातें जिम के बारे में खेसारी लाल यादव को बताई। वैसे घर के काफ़ी लोगों को ये पता नहीं था कि खेसारी लाल यादव की वेल टोन बॉडी है और वो जिम के बारे में इतना कुछ जानते हैं और वो रेगुलर जिम करते हैं। लेकिन जब घर वालों ने, या यूं कह लें कि घर के सभी लोगों ने देखा कि खेसारी लाल यादव जिम करते हैं और अपने रूटीन को लेकर, अपने जिम रूटीन को लेकर इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो सभी को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि खेसारी लाल यादव के बारे में जब देवोलीना ने सभी को बताया कि खेसारी कितने ज़मीन से जुड़े हुए हैं, लोगों की कितनी मदद करते हैं और फिर उस पर भी वो इतने अपने आप को फिट रखते हैं, ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। वैसे आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव नॉमिनेट हुए हैं और नॉमिनेशन की इस प्रक्रिया में खेसारी लाल यादव को 8वां पायदान मिला है। 9वें पायदान पे माहिरा हैं, 10वें पर पारस छाबड़ा हैं और 11वें पर अरहान खान हैं। यानी कि खेसारी लाल यादव की पोजीशन घर में धीरे धीरे बढ़ रही है। वैसे पहले नंबर पर सिद्धार्थ शुक्ला हैं, जो कि खेसारी लाल यादव के सबसे बड़े राइवल माने जाते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।